गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टी एस एन स्कूल क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, अशोक द ग्रेट किंग। अपन ने अशोक द ग्रेट किंग के पहले वाले जो वीडियो में देखा कि उसका जन्म कब हुआ, उसने क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त की। अब उसके बारे में अपन ये सेकेंड जो वीडियो है इसके बारे में अपन ये पढ़ेंगे। जब बिंदुसार की डेथ हो गई, जो अशोक के पिता थे उनकी डेथ हो गई बिंदुसार की, उसके बाद में उन्होंने सिंहासन हासिल किया, मतलब प्राप्त किया। उसके बाद में अपने उन्होंने राज्य में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए, क्या रूल एंड रेगुलेशन चलाए, उन्होंने किस प्रकार से साम्राज्य किया, तो अब उसके बारे में अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में। अशोक वॉज अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग किंग। अशोक अच्छा और मजबूत राजा था। ही मेड द मौर्य एम्पायर रिचर। उसने अपने मौर्य साम्राज्य को अधिक समृद्ध बनाया। ही ऑल्सो मेड हिज आर्मी लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर। उसने अपनी जो सेना थी उसको बड़ा किया और मजबूत बनाया। इन अशोकास रूल एनीबडी हु ब्रॉक द किंग्स लॉ वॉज पनिश्ड सिवियरली होता है कठोरता। अशोक ने जो भी मतलब जो कानून बनाए, जो नियम बनाए, अगर उसको कोई तोड़ता था अशोक के साम्राज्य में तो उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। द नेबरिंग होता है पड़ोसी किंग्स वेयर जेलस मतलब ईर्ष्या, एज वेल एज अप्रीट मतलब डरना ऑफ अशोकास पावर्स। जो पड़ोसी के राजा थे ईर्ष्या के साथ साथ अशोक के जो शक्तियाँ थी उससे डरते थे। जो पड़ोसी राजा थे वो ईर्ष्या के साथ साथ अशोक की शक्तियों से डरते थे। कलिंग वॉज अ स्मॉल किंगडम एट द बॉर्डर ऑफ अशोक्स लार्ज एम्पायर। जो कलिंग था, एक कलिंग राज्य था, वह अशोक के बड़े साम्राज्य की सीमा पर एक छोटा सा राज्य था। द शिप्स ऑफ कलिंग ट्रबल्ड अशोक्स मर्चेंट एंड कोस्ट प्रॉब्लम्स टू देम। जो कलिंग के जहाज थे वे अशोक के व्यापारियों को परेशान किया करते थे और उनकी समस्याओं का कारण बना। कौन सा? जो कलिंग के जहाज थे वो। सो अशोक डिसाइडेड टू कॉन्कर कलिंग। जब जो अशोक था उसने निश्चय किया कलिंग को जीतने का फैसला किया। सून द वॉर बिगेन। युद्ध जल्दी ही शुरू हो गया। वॉर होता है युद्ध। किंग अशोक लीड हिज वास्ट आर्मी इनटू बैटलफील्ड हिमसेल्फ। जो अशोक था उसने स्वयं ही, राजा अशोक ने अपनी उनकी जो विशाल सेना थी खुद ने ही मैदान में उतार दी। द बैटल कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज। जो युद्ध था कई दिनों तक लड़ाई चलती रही। आफ्टर अ लॉन्ग मार्च। जो ये है ना, कलिंग से युद्ध किया था उसने, अशोक ने, जो अशोक ना थे उसने किससे युद्ध किया था, कलिंग से, क्योंकि उनके वो शिपों से और इनसे जो जहाज थे उनसे परेशान हो गए थे। वहाँ के जो व्यापारी थे अशोक साम्राज्य के, वहाँ के जो व्यापारी थे वो कलिंग के जहाज़ों से बहुत परेशान हो गए थे। तब अशोक ने डिसाइडेड किया, मतलब निश्चय किया कि इससे अपन युद्ध लड़ेंगे, उसको जीतेंगे, इस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाएंगे। आफ्टर लॉन्ग मार्च द सोल्जर रीच्ड
द कैपिटल ऑफ कलिंग एंड कैप्चर द एनिमे किंग। एक लंबे मार्च के बाद सैनिक कलिंग की राजधानी पहुंचे और दुश्मन राजा पर कब्जा कर लिया। फाइनली अशोक रोड बैक होम। अंत में अशोक घर वापस आ गया। ऑन द वे ही से थाउजेंड ऑफ डेड बॉडीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स लाइंग इन द बैटल फील्ड। अंत में अशोक घर जब वापस आ रहा था, उसको रास्ते में उसने युद्ध के मैदान में बहादुर सैनिकों के हजारों शवों को पड़ा देखा। ही हार्ड द मॉर्निंग ऑफ वॉन्टेड सोल्जर। वॉन्टेड होता है घायल, वॉन्टेड घायल। उन्होंने देखा कि घायल सैनिकों की करार सुनी, जो घायल सैनिक थे उनकी जो मतलब करार रहे थे दर्द से, तो उसको सुनाई में आई। किसको? अशोक को। He could also hear the crying of women and children। वह महिलाओं और बच्चों का रोना भी सुन सकता था। He was filled with sorrow। उसको बहुत दुख हुआ, दुख से वो भर गया। स्रोत दुख से भर गया। कौन? अशोक, जो राजा अशोक था वो। When Ashoka returned to his city, his army was celebration। They were bursting fireworks, roasting fireworks and dancing। जब अशोक अपने शहर लौटा तो उसकी सेना जश्न मना रही थी, पटाखे फोड़ रही थी और नाच रही थी। अशोका सैट स्टॉप ऑल द सेलिब्रेशन। अशोक जो अशोक था उसने कहा कि बंद करो जश्न मनाना। दिस इज अ टाइम टू बी सॉरी फॉर सो मैनी पीपल हु हैव बीन किल्ड। ये कई लोगों के लिए खेत का समय है जो मारे गए हैं। किसने कहा है ये? अशोक ने कहा है, अपने जो सेना जो उनकी सेलिब्रेशन कर रही थी, जश्न मना रही थी, उनको कह रहा है ये। इमिजिएटली द सेलिब्रेशन वेयर स्टॉपेड एंड एवरीवन क्वाइटली वेंट होम। अचानक से मतलब जल्द से जल्द ही जो सेलिब्रेशन था, जो जश्न था, वो रुक गया और प्रत्येक जने अपने जो चुपचाप से अपने घर को चले गए। अशोक रिटर्न टू हिज प्लेस पैलेस। अशोक अपने महल में वापस आ गया। वन डे वेल वाइल सिटिंग अलोन अशोक थॉट आई मस्ट डू समथिंग टू एक्सप्रेस माई ग्रीफ। ग्रीफ होता है शोक। एक दिन जब अशोक अकेले में बैठे थे, वह सोच रहा था, दुख व्यक्त करता मतलब सोचते हुए दुख व्यक्त करते करने के लिए कुछ करना चाहिए, शोक प्रकट करने के लिए कुछ करना चाहिए। किसने कहा ये? अशोक ने कहा। मतलब अपने साम्राज्य में उसने जिस तरह चलाया, और एक कलिंग का युद्ध हुआ, एक कलिंग युद्ध के बाद में जितने लोग सैकड़ों लोग मारे गए, उसके बाद से ही जो अशोक था उसका जो हृदय था वो बहुत भावकपूर्ण हो गया था कि वो किस तरह से मतलब घायलों की और महिलाओं की और बच्चों की रोने की आवाज़ उसके दिमाग में बैठ गई थी। थैंक यू।